मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, 500 फरियादियों की सुनी फरियाद, कहा जो पात्र हैं उनको पीएम आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाए आवास की सुविधा। भाजपा के कुशीनगर के सांसद विजय दुबे को दोबारा लोकसभा चुनाव 2024 का बनाया गया प्रत्याशी, टिकट मिलते ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी का लिया आशीर्वाद, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी 400 सीट। भाजपा के द्वारा गोरखपुर सदर से दोबारा रवि किशन को बनाया गया 2024 लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी, टिकट मिलते ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद, मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात, प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिया धन्यवाद। बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान को भाजपा के द्वारा चौथी बार लोकसभा चुनाव का बनाया गया प्रत्याशी, टिकट मिलते ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद, मुख्यमंत्री से की मुलाकात, कहा पूरी ताकत लगाकर बांसगांव में कमल खिलाने का करूंगा कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में 4,500 छात्र व छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन का किया वितरण, स्मार्ट क्लास के लिए वितरित किया प्रमाण पत्र, विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण, उत्तर प्रदेश का युवा स्मार्टफोन व टैबलेट से पढ़ाई करके बनेगा स्मार्ट, स्मार्ट उत्तर प्रदेश, स्मार्ट युवा।